Good morning to everyone. Today we will continue our next topic, that is classification of emulsion. So in that we will see there are various methods for classification of emulsion. So emulsion ko classify karne ke liye bahut se methods hai. However, from the dispensing point of view and its mode of administration. हालांकि हम जो मेथड या हम जो क्लासिफिकेशन देखेंगे इमल्शन की, वो उसके डिस्पेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे देखेंगे और उसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे. मींस इमल्शन को प्रिपेयर जब हम करते हैं तो वो उसके अंदर हम कौन कौन से चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं. सो उसकी बेसिस पे उसको अलग क्लासिफाई किया गया है और दूसरा उसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे. मींस इमल्शन को किस किस तरह से, किस रूट से उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, उसकी बेसिस पे उसको अलग क्लासिफाई किया गया. तो हम सबसे पहले देखेंगे उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शंस इन अकॉर्डेंस टू द टाइप ऑफ इमल्शन इमल्सिफाइंग एजेंट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन. सो पहली क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि जब हम इमल्शन का जब प्रिपरेशन करते हैं तो तब किस टाइप के या फिर कौन कौन सी टाइप के उसके अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट हम यूज़ करते हैं, तो उस बेसिस पर इमल्शन को क्लासिफाई किया गया है ए टाइप के अंदर. ओके, और दूसरी क्लासिफिकेशन इस टाइप से की गई है उसकी कि इमल्शन को किस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से उसको अप्लाई किया जाता है या फिर उसको लिया जाता है. ओके, तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन हम देखेंगे टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन. सो इन दैट इमल्शन कंटेनिंग नेचुरल गम, ऐसे इमल्शन जिसके अंदर नेचुरल गम होते हैं जैसे कि गम अकेशिया, ट्रागाकांत एंड म्यूसिलेज ऑफ आयरिस मॉस्क, और ऐसे इमल्शन जिसके अंदर गम सब्स्टिट्यूट होते हैं जैसे कि सेलुलोज एंड इट्स डेरिवेटिव्स एंड सॉल्ट ऑफ एल्जिनिक एसिड. ओके, और दूसरे ऐसे इमल्शन जिसके अंदर वेरियस सोप होते, सोप्स यूज करते हम एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट, और सैपोनिन, स्टार्च. ओके, और इमल्शन कंटेनिंग नेचुरल वैक्सेस, ऐसे इमल्शन जिसके अंदर हम ऐसा वैक्सेस एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते डब्ल्यू बाय ओ टाइप इमल्शन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल वूल फैट एंड बीस वैक्स. देन इमल्शन कंटेनिंग सिंथेटिक वैक्सेस, ऐसे इमल्शन जिसमें सिंथेटिक वैक्सेस होते हैं, इमल्सिफाइंग वैक्स एंड सेटा मैक्रोगोल इमल्सिफाइंग वैक्स एंड इमल्शन कंटेनिंग अदर इमल्सिफाइंग एजेंट्स सच एज पेक्टिन, एग्स योल्क, जिलेटिन एंड लेसिथिन. ओके, द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखेंगे इमल्शन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन इन अकॉर्डेंस टू द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टू देयर मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे इमल्शन जिसको उसकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है. तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे इमल्शंस फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे इमल्शंस जिसको ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है उसको हम ओरल इमल्शन कहते हैं. ओके, देयर आर यूजुअली ओ बाई डब्ल्यू टाइप of emulsion and are used to administer oil having medicinal value, example castor oil, olive oil, almond oil, cod liver oil and liquid paraffin. ऐसे emulsion जिसको oral लिया जाता है ज़्यादातर वो O by W type के होते हैं, oil in water type के होते हैं जिसमें water के अंदर oil होता है, ऐसे emulsion orally लिए जाते हैं ज़्यादातर, cod liver oil, almond oil एंड लिक्विड पैराफिन, ये सब ओरली एडमिनिस्टर होते हैं. ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे इमल्शन फॉर एक्सटर्नल यूज, ऐसे इमल्शन जो सिर्फ एक्सटर्नल यूज होते हैं स्किन वगैरह पर अप्लाई करने के लिए, दिस में भी आइदर ओ बाय डब्ल्यू टाइप और डब्ल्यू बाय ओ टाइप. हाउ एवर ओ बाय डब्ल्यू टाइप इमल्शन आर प्रिफर्ड ओवर डब्ल्यू बाय ओ टाइप इमल्शन. अब एक्सटर्नल यूज के अंदर ज़्यादातर दोनों भी टाइप के इमल्शन यूज होते हैं, ओ बाय डब्ल्यू
और W by O, okay. Then next term देखेंगे, emulsions for parenteral use. ऐसे emulsion जो सिर्फ हम parenterally use करते हैं, intravenous वगैरह, okay. So ऐसे emulsions को हम parenteral emulsion बोलते हैं, okay. These are used to administer fat soluble vitamins such as A, D, E and oil soluble sex hormone because their absorption in this form is very rapid. हम जो soluble जो vitamins होते हैं जैसे कि A, D and oil soluble और sex hormone जैसे कि emulsion होते हैं, हम उसको parenterally use करते हैं. क्यों use करते हैं? कि उनका जो absorption जो होता है वो उसका हाई होता है, वो जल्दी से वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर और बॉडी के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं. ऐसे इमल्शन को हम पेरेंट्रल इमल्शन बोलते हैं और उसको हम पेरेंट्रली यूज करते हैं, ओके. देन नेक्स्ट देखेंगे, इमल्शन फॉर रेक्टल यूज. ऐसे इमल्शन जो सिर्फ रेक्टल यूज करते हैं, दीज आर यूज इन द फॉर्म ऑफ इनेमा, और हम इसको इनेमा के फॉर्म के अंदर यूज करते हैं फॉर द इवैक्यूएशन ऑफ बॉयल. मीन्स रेक्टस को, मीन रेक्टम को क्लियर करने के लिए उसको हम एज अ इनेमा फॉर्म के अंदर हम उसको यूज करते हैं. सच एज जैसा कि स्टार्च म्यूसिलेज इज जनरल यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ इनेमा, और जो स्टार्च म्यूसिलेज जो होता है ये ज़्यादातर इनेमा के फॉर्म में हम इसको प्रिपेयर करके रेक्टम को क्लियर करने के लिए हम यूज करते हैं, ओके. देन नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्शंस, ओके. सो इसमें हम देखेंगे इमल्शंस को बनाने के लिए किन किन चीजों की हमको जरूरत होती है, ओके. सो जब हम इमल्शन का प्रिपरेशन करते हैं तो इमल्शन को फॉर्मुलेट करने के लिए, उसका फॉर्मुलेशन बनाने के लिए हमको चार टाइप की चीज़ों की ज़रूरत होती है, या फोर टाइप्स के हमको एजेंट लगते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन. वो कौन कौन से होते हैं? पहला इमल्सिफाइंग एजेंट, सेकंड प्रिजर्वेटिव, थर्ड एंटीऑक्सीडेंट एंड फोर्थ फ्लेवरिंग एजेंट, ओके. सो इन दैट द इमल्सिफाइंग एजेंट रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू फेजेस, oil phase and aqueous phase, and thus make them miscible with each other and form a stable emulsion. Emulsifying agent are also known as emulgent or emulsifier. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं emulsifying agent की. तो emulsifying agent को emulgent और emulsifier भी कहा जाता है. आपको exam में इस दो नाम से भी पूछ सकता है वो क्या राइट और नॉट ऑन इमल्जेंट और इमल्सिफायर. तो आपको ये बात भी ध्यान में रखना है क्या इमल्सिफाइंग एजेंट को इमल्जेंट्स और इमल्सिफायर भी कहते हैं, ओके. अब बात कर रहे हैं हम इमल्सिफाइंग एजेंट की, तो अब हम इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज़ क्यों करते हैं? सो जब हम इमल्शन बनाते हैं तो उसमें टू इमिसिबल लिक्विड का यूज़ करते हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते या घुलते नहीं है, ओके. क्योंकि दोनों के बीच में सरफेस टेंशन होता है, दोनों का अपना अपना सरफेस टेंशन होता है जिसकी वजह से वो आपस में इमिसिबल होते हैं, ओके. तो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करते हैं कि जब हम इमल्सिफाइंग एजेंट को उस मिक्सचर में मींस टू इमिसिबल लिक्विड्स के अंदर जब हम उसको मिलाते हैं तो ये दोनों के सरफेस टेंशन्स को कम कर देता है और उनके बीच का जो सरफेस टेंशन होता है उसको कम कर देता है जिसकी वजह से वो टू इमिसिबल लिक्विड्स आपस में इजीली मिल जाते हैं और घुल जाते हैं. तो इमल्सिफाइंग एजेंट का एक्चुअल में काम ये होता है कि ये दो इमिसिबल लिक्विड्स को मिसिबल बनाता है. मीन्स ये मीडिएटर का काम करता है जो कि इमल्सिफाइंग एजेंट कहलाता है, ओके. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट विच आर अवेलेबल टू प्रिपेयर अ स्टेबल इमल्शन, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सिलेक्ट अ प्रॉपर इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर द डेवलपमेंट
of a stable emulsion, no single emulsifying agent possesses all the properties required for the preparations of stable emulsion. Therefore, sometimes it becomes necessary to use two or more than two emulsifying agent instead one to prepare a stable emulsion. अब अगर हम देखें तो emulsifying agent बहुत सी types के होते हैं और इतने ज़्यादा होते हैं और इसमें इतना वेरिएशन होता है कि ये डिसाइड कर पाना कि हमको किस इमल्शन को प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन सी टाइप के हमको इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज़ करना होता है, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता था पहले. मींस बहुत डिफ़िकल्ट होता था पहले कि हमको कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट उसके अंदर यूज़ करना है कि वो एक स्टेबल इमल्शन को डेवलप हो सके या फिर हमको एक स्टेबल इमल्शन मिल सके. ओके, सो द ग्रिफिन डिवाइज्ड अ यूजफुल मेथड फॉर कैलकुलेटिंग बैलेंस्ड मिक्सचर ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट टू प्रोवाइड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इमल्शन. इट इज़ कॉल्ड द हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस और HLB मेथड. ओके, तो उसके बाद हुआ ये कि जब हमको बहुत प्रॉब्लम आती थी कि बहुत मतलब डिफ़िकल्टी होती थी कि भाई कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट हमको यूज़ करना है एक स्टेबल इस टाइप के इमल्शन को प्रिपेयर करने के लिए या उसको स्टेबल इमल्शन फॉर्म करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए. तो उसके बाद हुआ ये कि एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ग्रिफिन. तो ग्रिफिन साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने एक रूल बनाया, एक मेथड बनाई जिसको हम HLB मेथड कहते हैं, मींस हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस. और ये ऐसी स्केल होती है जो कि हमको इंडिकेट करती है कि हमको कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट आसानी से हमको उससे पता चल जाता है क्या ये इमल्सिफाइंग एजेंट किस टाइप का है. ओके, मीन्स वो हाइड्रोफिलिक है या लिपोफिलिक है, हमको HLB मेथड के जरिए इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है. ओके, देन एवरी इमल्सिफाइंग एजेंट इज गिवन अ नंबर ऑन HLB स्केल. और हर एक इमल्सिफाइंग एजेंट को HLB स्केल के थ्रू एक नंबर दिया गया है. ओके, और जो भी HLB स्केल है वो 18 यूनिट्स के अंदर डिवाइड है. मीन्स उसके जो यूनिट्स है वो 0 से 18 तक के एक स्केल है. ओके, जैसे कि हमारी pH स्केल जैसी होती है वैसी एक स्केल है. अब आपके दिमाग में यहाँ पर एक बात आ रही होगी क्या हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक क्या होता है, तो आपको एक बात क्लियर कर दूँ. क्या हाइड्रोफिलिक का मतलब मीन्स हाइड्रोफिलिक मीन्स हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक मीन्स लविंग. मीन्स ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट जो हाइड्रोफिलिक है सो वो उसको हम वाटर लविंग, या फिर ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट जिसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं तो वो वाटर के अंदर आसानी से घुल मिल जाते हैं जिसको हम हाइड्रोफिलिक इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं. ओके, और अगर कोई इमल्सिफाइंग एजेंट का हाइस्ट नंबर है मीन्स 8 to 18 नंबर होता है तो HLB स्केल में तो वो हाइड्रोफिलिक इमल्सिफाइंग होगा, मीन्स वो वाटर में आसानी से घुल मिल जाएगा, जैसे कि O/W इमल्शन इजीली आपस में मिक्स हो जाएगा. O/W इमल्शन जिसके अंदर हम हाइड्रोफिलिक इमल्शंस को मिक्स करेंगे तो वो आपस में मिल जाएगा. ओके, जिसके अंदर O/W इमल्शन के अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा है तो वो हाइड्रोफिलिक इमल्शन उसके अंदर आसानी से मिल जाएगा. और नेक्स्ट बात करेंगे हम लिपोफिलिक की, तो लिपोफिलिक मीन्स ऑयल या फैट, और फिलिक मीन्स लविंग, मीन्स ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट जो लिपोफिलिक होते हैं उसको हम ऑयल लविंग या फिर
फैट लविंग बोल सकते हैं, ओके, जो इजीली ऑयल के अंदर आसानी से घुल मिल जाए उनको हम लिपोफिलिक इमल्सिफाइंग एजेंट कहेंगे, ओके। और वो इमल्शन जिसके जो लिपोफिलिक होते हैं उनका जो नंबर HLB स्केल के अंदर जिनका नंबर होता है अगर 3 to 6 है तो वो लिपोफिलिक प्रॉपर्टीज को मींस ऑयल लविंग प्रॉपर्टीज जो कि आसानी से ऑयल के अंदर मिक्स हो जाएंगे मिल जाएंगे वो ये प्रॉपर्टीज को वो रिप्रेजेंट करेंगे और वो W/O टाइप के इमल्शन के अंदर ज़्यादा यूज होंगे, ओके। जैसे कि W/O टाइप के इमल्शन के अंदर ऑयल की जो अमाउंट होती है जो कंटिन्यूस फेज होता है वो ऑयल होता है O/W इमल्शन के अंदर, तो उसके अंदर हमको कैसा इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करना है जो कि लिपोफिलिक हो मीन्स वो ऑयल के अंदर इजीली मिक्स हो जाए, ओके, या घुल जाए। एक बार फिर उसको रिपीट कर लेते हैं हम, ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट जिसका HLB स्केल के अंदर जिसके नंबर 8 से 18 होते हैं उसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं मीन्स वाटर लविंग कहते हैं, जो के पानी के अंदर आसानी से घुल मिल जाए उसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट जिसके अंदर ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट जो के HLB स्केल के अंदर जिनका नंबर 3 to 6 होता है उनको हम लिपोफिलिक बोलते हैं, जो के आसानी से ऑयल के अंदर मिल जाते हैं, ओके, उनको हम लिपोफिलिक कहते हैं, ओके। जैसा कि इस टेबल में दी गई है HLB वैल्यूज ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट अलॉन्ग विद देयर एप्लीकेशन मीन्स अलग अलग टाइप के इमल्सिफाइंग एजेंट की वैल्यूज दिए HLB वैल्यूज दी गई हैं कि उसको किस टाइप के इमल्शन के अंदर उसको यूज करना है और उसका एप्लीकेशन भी, ओके। सो ये टेबल आप अच्छे से देख लेना, ओके। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इमल्सिफाइंग एजेंट की जो प्रॉपर्टीज उसकी जो खासियत है वो कैसी होनी चाहिए, ओके। सो इट शुड बी कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स। अब जो इमल्सिफाइंग एजेंट होता है उसका काम ही होता है कि वो टू इमिसिबल लिक्विड्स के जो बीच का जो इंटरफेशियल टेंशन है उसको वो रिड्यूस कर सके, उसकी ये कैपेसिटी होना चाहिए, ओके। अगर उसकी ये कैपेसिटी नहीं है कि वो दोनों के बीच का इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस कर रहा है तो वो इमल्सिफाइंग एजेंट हमने कभी ऐड कर दिया उसके अंदर तो पूरे इमल्शन को खराब कर देगा, ओके, और या फिर वो खराब इमल्सिफाइंग एजेंट है, ओके। सो हमको ये भी चेक करना है कि इमल्सिफाइंग एजेंट हम जो यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वो कैपेसिटी है या नहीं है कि वो इंटरफेशियल टेंशंस को वो रिड्यूस कर रहा है टू इमल्सिबल लिक्विड्स के, ओके। तो ये उसकी खासियत होना चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी होना चाहिए एक इमल्सिफाइंग एजेंट की, ओके। देन नेक्स्ट इट शुड बी कंपेटिबल विथ अदर इन्ग्रीडियंट्स ऑफ द प्रिपरेशन। और जो इमल्सिफाइंग एजेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी कंपेटिबल होना चाहिए मीन्स अगर हमारे इमल्सिफाइंग अगर दूसरे इन्ग्रीडियंट के साथ जो कि हम ऑयल और वाटर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर या फिर अदर इन्ग्रीडियंट्स अगर यूज़ कर रहे हैं कलरिंग एजेंट फ्लेवरिंग एजेंट एंटी ऑक्सीडेंट या फिर दूसरे केमिकल यूज़ कर रहे थे अगर उसके साथ वो कंपेटिबल नहीं है तो वो हमारे प्रिपरेशन को या हमारे इमल्शन को ख़राब भी कर सकता है, ओके। तो इमल्सिफाइंग एजेंट की कंपेटिबिलिटी भी अच्छी होना चाहिए कि वो दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ वो केमिकली इंटरेक्शन ना कर पाए, ओके, मतलब वो कंफर्ट हो उन सब के साथ। देन नेक्स्ट इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। और जो इमल्सिफाइंग एजेंट जो होना चाहिए वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, ओके। देन नेक्स्ट इट शुड बी कैपेबल टू प्रोड्यूस एंड मेंटेन द रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ द इमल्शन। और इमल्सिफाइंग एजेंट की ऐसी कैपेबिलिटी भी होना चाहिए कि वो इमल्शन की जो कंसिस्टेंसी है उसको वो मेंटेन करके रखे, ओके। देन नेक्स्ट इट शुड बी केमिकली स्टेबल। और जो इमल्सिफाइंग एजेंट होना चाहिए वो केमिकली स्टेबल होना चाहिए। क्यों स्टेबल होना चाहिए? कि वो दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ मिलके केमिकल इंटरेक्शन ना कर पाए, ओके। देन इट शुड बी कैपेबल ऑफ कीपिंग द ग्लोब्यूल्स ऑफ डिस्पर्शन लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटेड इनडेफिनेटली थ्रू द डिस्पर्शन मीडियम। और उसकी ऐसी कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो जो
डिस्पर्स फेस की जो ग्लोब्यूल्स फॉर्म होते हैं कंटिन्यूस फेस के अंदर, तो वो उसने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. ओके, मींस नेटवर्किंग बनाने से उसको रोकना चाहिए, ये भी कह सकते हैं हम, थ्रू आउट द डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम के अंदर. ओके, मींस जो ग्लोब्यूल्स है डिस्पर्जन के अंदर, डिस्पर्जन लिक्विड्स की जो ग्लोब्यूल है वो डिस्पर्जन मीडियम के अंदर वो सही से डिस्ट्रीब्यूट हो पाए. ओके, उस ये भी उसकी मतलब एक प्रॉपर्टीज होना चाहिए. ओके, देन नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट. ओके, सो इमल्सिफाइंग एजेंट को 5 टाइप्स के अंदर उसको डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन नेचुरल, सेकंड सेमी सिंथेटिक पॉलीसेकेराइड्स, थर्ड वन सिंथेटिक, फोर्थ ऑर्गेनिक एंड फिफ्थ अल्कोहल. सो नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट की हम बात करें तो ऐसे इमल्सिफाइंग जो वेजिटेबल सोर्स से हमको मिलते हैं और एनिमल सोर्स से हमको मिलते हैं, मींस हमको वेजिटेबल से मिलते हैं या फिर एनिमल से हमको वो मिलते हैं, ऐसे इमल्सिफाइंग है. तो हम उसके अंदर देखेंगे गम एकेशिया, ट्रागाकांत, अगार, पेक्टिन, स्टार्च, एरिसमोस, ये ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट है जो कि हमको सब्जियों से और वेजिटेबल से मिलते हैं. देन नेक्स्ट वुलफैट, एग योल्क, जिलेटिन, ये इमल्सिफाइंग एजेंट हमको एनिमल से हासिल होते हैं या उसको एनिमल से हमको वो मिलते हैं. ओके, देन नेक्स्ट हम बात करें सेमी सिंथेटिक पॉलीसैकेराइड्स इमल्सिफाइंग एजेंट की, तो उससे हमको कौन कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट मिलते हैं, मेथिल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी, मेथिल सेलुलोज. ओके, देन नेक्स्ट सिंथेटिक में कौन कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं, अनायनिक, केटायनिक एंड नॉन आयनिक, एंड इनऑर्गेनिक के अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकेट एंड बेंटोनाइट. एंड अल्कोहल से हमको कौन कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट मिलते हैं, कार्बोवैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन्स. ओके, सो ये भी क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से याद करनी है, एग्जाम में भी आपको पूछ सकता है. तो आपको ये भी पूछ सकता है कि नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, क्लासीफाई इट एंड डिस्क्राइब इट देम, डिस्क्राइब इट. सो ये भी आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से याद रखनी है. ओके,